हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं वैभव, जिन्होंने आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम अभी अभी निकाला है और ये भी फाइनली सेलेक्ट हो चुके हैं। इनका भी इंटरव्यू आपने स्टडी स्मार्ट पे देखा होगा। जब मैंने मॉक इंटरव्यू लिया था तो वैभव का भी इंटरव्यू मैंने अपलोड किया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो उस इंटरव्यू का रिज़ल्ट अब हमको वैभव के रूप में देखने को मिल रहा है कि अब ये ऑफिसर बन चुके हैं। सबसे पहले तो वैभव, आपको बहुत बहुत बधाई सेलेक्ट होने के लिए। थैंक यू सर। तो हम इंटरव्यू सीरीज अपनी ये कर रहे हैं और जैसा आपने कल का भी इंटरव्यू देखा होगा तो आपने देखा होगा कि इंटरव्यू हमारा ऐसा ही रहेगा, एक चर्चा के तौर पे, जिससे हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि वैभव ने अपने इस सिलेक्शन पाने तक कौन कौन से रास्ते पकड़े, क्या चीज़ें उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई, कहाँ पे उनको बहुत डिफ़िकल्टी हुई और उन डिफ़िकल्टी से वो कैसे बाहर निकले। तो इसी नोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वैभव, आप अपने बारे में बताइए, थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए और आप कौन से बैंक में सेलेक्ट हुए हैं ये भी लोगों को बताइए। सर, मेरा पूरा नाम वैभव वर्मा है और मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ और मेरा सिलेक्शन आर्यावर्त बैंक में फाइनली हुआ है। आर्यावर्त बैंक, यस सर। ओके। तो वैभव, इंटरव्यू में कितने नंबर मिले थे? इंटरव्यू में सर अभी मैंने कैलकुलेट किए तो 83.49 बन रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया नंबर मिले आपको इंटरव्यू में। यस चलिए, सर। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर से। कैसा थैंक यू फील हो सर। रहा है सेलेक्ट होने के बाद? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। काफी काफी समय से स्ट्रगल चल रही थी, 3 साल हो गए प्रिपरेशन के करते हुए, और फाइनली सिलेक्शन पाना काफी एक्साइटेड और अचीवमेंट जैसा फील हो रहा है। अच्छा, तो आपने प्रिपरेशन की शुरुआत कब से करी वैभव अपनी? एक्चुअली प्रिपरेशन मैंने या 18 फिर से मैं आपसे स्टार्ट कर। चाहूँगा कि आप यस सर। अपने प्रिपरेशन की शुरुआत कब से करी, कैसे करी, आप ब्रीफ में खुद ही बता दीजिए सारी कहानी। एक्चुअली मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट 2018 से की थी, लेकिन 2018 में बस मैं फॉर्म भर रहा था और पेपर दे रहा था। उस समय कुछ एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसा पेपर आता है और प्रिपरेशन कैसी करनी है, तो मैं पेपर दे रहा था तो क्लियर हो नहीं रहा था, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं थी। और एंड में 2018 के एंड से फिर मैंने जब उसके बारे में सर्च करना चालू किया कि यूट्यूब पे कहाँ कहाँ सब है, रीजनिंग ऑब्वियसली कोर्स मालूम था, सिलेबस मालूम था, ये रीजनिंग है, मैथ है और इंग्लिश है। तो इंग्लिश बैकग्राउंड रहा था तो इंग्लिश मैंने कभी शुरुआत से पढ़ी नहीं, मैथ्स मैंने बच्चों को ही पढ़ाया तो इतना दिक्कत हुई नहीं, बाकी रीजनिंग का एकदम कुछ आइडिया नहीं था। तो रीजनिंग के लिए मैंने यूट्यूब पर सर्च किया था, उस समय आपका चैनल आया था सामने, तो आपके जब रिकॉर्डेड वीडियोस जैसे बनाते थे, अभी तो आप लाइव बनाते, तब मैंने वहां से सीखा था रीजनिंग, तब से बस चल ही रहा अच्छा, तो है। इससे पहले भी आपने मेंस वगैरह कोई एग्ज़ाम आपने निकाला हुआ है? यस सर। मेंस नहीं निकला, हालांकि 2 बार मेंस मैं दे चुका हूँ, अच्छा, कौन कौन सा एग्ज़ाम? मतलब बैंक के दो, एक बार IBPS क्लर्क मेंस और एंड SBI क्लर्क मेंस, ओके, अभी आपने 2018 में। SBI PO मेंस भी दिया है। नहीं सर, उसमें प्री नहीं हुआ था। अच्छा, तो आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। आप अपना थोड़ा एक बार बैकग्राउंड बताइए कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, आपका परिवार कैसा है, फिर आपको ही कैसे लगा कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए। एक्चुअली मेरी फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब फाइनेंशियल स्टेटस इतना अच्छा नहीं है। प्राइवेट का, फादर का भी प्राइवेट बिजनेस ही है और मदर अब जॉब में है, पहले हाउस मेकर ही थी। तो और मैंने बीटेक किया हुआ है, उसके बाद मैंने जॉब के लिए सर्च किया लेकिन इतना स्कोप दिखा नहीं और मिला भी नहीं एक्चुअली, सच बताऊँ तो। तो फिर जब बैंकिंग के बारे में सोचा तो उसमें भी अब कोचिंग और अलग अलग चीज़ों के, तो किसी तरह मैंने मैनेज की, थोड़ा सा ज्वाइन किया, लेकिन पता नहीं मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने अपने ऊपर ही ले लिया कि मैं खुद से ही करूंगा, क्योंकि जब मैंने YouTube सर्च किया तो उसमें बहुत सारा कंटेंट फ्री में ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि मुझे कहीं कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या तो पैसा आप इन्वेस्ट इतने करना हम्बल चाहिए। बैकग्राउंड से आते हैं तो एक बड़ा, बहुत बड़ा डिसीज़न भी है। जनरली होता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं और जब परिवार थोड़ा हम्बल बैकग्राउंड से रहता है तो ये, मतलब पहली नज़र में ये होता है कि सबसे पहले कहीं ना कहीं जॉब करी जाए। मतलब बच्चा यस जॉब सर। करेगा तो थोड़ा पारिवारिक जो स्थिति है थोड़ा संभलेगी, कुछ हेल्प मिलेगी। और आप बैकग्राउंड से ऐसे आते हैं और आपने एक डिसीज़न लिया कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे,
और चूंकि ये बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को जानते हुए भी, वैसे तो मैं आपको पहले से जानता हूँ, तो आपका सिलेक्शन हुआ मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आपके लिए कितना चैलेंजिंग था ये डिसीजन लेना, बीटेक चैलेंजिंग करने के काफी बाद था, नौकरी ना करना और ये तैयारी करना? चैलेंजिंग एज सच तो काफी था, क्योंकि ये 4 साल इन्वेस्ट किया था मैंने बीटेक में, और ट्रेड भी ऐसी चुनी थी जो जिसमें इंटरेस्ट था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और उसके बाद प्राइवेट फील्ड में ना जाके बैंकिंग फील्ड में चूज करना, जहाँ की कंपटीशन वैसे ही ऑलरेडी इतना सारा था, पहले ही बहुत सारे बच्चे मेरे से आगे थे, मतलब प्रिपरेशन कर रहे थे, कई लोग पहले ही से स्टार्ट कर देते हैं। उस समय डिसीजन लेना कि नहीं, मुझे अब बैंकिंग फील्ड में जाना है, गवर्नमेंट फील्ड में जाना है, काफी चैलेंजिंग था। अच्छा, तो एक जो ये फैमिली प्रेशर और ये जो सोशल प्रेशर रहता है उसको आपने कैसे हैंडल किया? मतलब होता है ना कि आपने तैयारी शुरू करी, अम्मा बाप या फिर बाहर के लोगों को नहीं समझ में आता कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप अगर 90% भी कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट इनफ, अगर सारे बच्चे 95% कर रहे हैं तो, कि ये कोई यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम नहीं कि पास करना है, मेरिट में आना है। तो एक तो ये बात समझाना बहुत ही मुश्किल होता है लोगों को जो इस फील्ड से नहीं होते हैं जनरली, तो आपके ऊपर भी ऐसा दबाव तो रहा ही होगा कि जल्दी से जल्दी नौकरी पानी, और फिर 2018 से आप प्रिपेयर कर रहे थे तो उस प्रेशर को आपने कैसे हैंडल किया? बार बार असफलता मिली, एक्चुअली कैसे आपने इस अपने आप को मामले में समझाया और मेरे परिवार को? इस मामले में कभी भी मेरे फैमिली से कभी भी मुझे पे प्रेशर नहीं हुआ। उनको मालूम, अगर मैंने बताया था कि मैं बैंकिंग तैयारी करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा था ठीक है कोई बात नहीं करो, लेकिन ये था कि जो करो उसको ईमानदारी से करो। अगर आप बैंकिंग गवर्नमेंट फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी मालूम था कि टाइम लगता है। हर चीज उन्होंने भी देखा है, कंपटीशन इतना है, लोग बच्चे इतना है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, लोग लाखों लोग कंपटीशन भरते हैं, 8-10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उनको मालूम था। तो मुझे ऐसा फैमिली का भी प्रेशर नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये रहता है कि लोग जब जैसे बीटेक हो जाता है, रिश्तेदार और मोहल्ले, और बीटेक हो गया, कहीं जॉब लगी और क्या क्या करना है, क्यों नहीं लगी, सब तमाम तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि अब कभी क्या बीच में करना ऐसा है। फील हुआ कि जब अभी आप 2018 से प्रिपेयर कर रहे हो तो कई बार आपने एग्ज़ाम दिया और सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो कभी ऐसा मन हुआ कि अच्छा गलत फील्ड में आ गए या फिर यस सर, हुआ अभी उसको कैसे इस टैकल चक्कर में। करें? हाँ, इस चक्कर में सर शायद मैंने 2020 का बैंक का कोई फॉर्म नहीं भरा है, अच्छा, कोई फॉर्म ही नहीं भरा दो हज़ार क्योंकि बीस में? नहीं सर। अच्छा हाँ यही कि पहले मैंने दिया 19 में, फिर कुछ पेपर्स निकले, प्री निकल लेते, लेकिन मेरी में कमी थी, मेंस में पढ़ नहीं रहा था। मेंस अगर हो रहा था तो जैसे दो मैंने बताया तो हुआ, तो मैंने जनरल अवेयरनेस और कुछ उसका पढ़ा ही नहीं, तो अभी सी बात है मेंस होना नहीं था। तो फिर पता नहीं, फिर प्री भी निकलना छूट गया, पता नहीं कैसे कि प्री भी नहीं निकल रहा है। तो फिर मैंने 2020 का कोई फॉर्म नहीं भरा, फिर क्या किया दो और हजार बीस में? थोड़ा सीजीएल की तरफ भी थोड़ा सा रुझान हो गया था, तो सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, तो सीजीएल के पेपर के पढ़ने लगे थे, उसमें जो निकला था तो बैंकिंग पढ़ा ही नहीं, लग ही नहीं रहा कि बैंकिंग होगा कि नहीं होगा। तो वो 1 साल पूरा मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा है 20 का। तो फिर कैसे मोटिवेट हुए इधर आने के लिए? एक्चुअली सीजीएल की जो प्रोसेस है वह उसी ने मोटिवेट कर दिया कि ये 4 साल तो आपको है। लगेंगे, और बैंक की जो प्रोसेसिंग है बहुत फास्ट है, आपको बस आपको मेहनत करनी है। आप बैंकिंग की तैयारी अगर आप प्रिपरेशन में है, तो आप 3 महीने 4 महीने की प्रिपरेशन करके तुरंत निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ईमानदार रहना पड़ेगा। तो वो जब मैंने डिसाइड किया, वो समय मैंने पूरी ईमानदारी की, उस समय अगर मैं कह सकता हूँ कि 3 साल में सबसे ज्यादा ईमानदार होके मैंने अभी का पेपर जो दिया RRB का, ये दिया है। अच्छा, तो वैभव मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, पहले आपने प्रीलिम्स वगैरह निकाला, यस एक सर, जनरल कॉन्सेप्शन होता है कि जैसे मैंने कल भी पूछा था कि जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको थोड़ा उतना समझ नहीं होती है और कई बार वो यूट्यूब में देख करके वीडियो भटक भी जाते हैं, वो प्रीलिम्स की तैयारी में ही लगे रहते हैं यस साल सर, भर। तो आपने अपनी तैयारी कैसे करी? शुरुआत से आप क्या केवल प्रीलिम्स पढ़ रहे थे, फिर जब प्रीलिम्स निकला तब मेंस वाला पढ़ा, या फिर आप मेंस वाला भी पहले भी पढ़ रहे थे और प्रीलिम्स को साथ में लेकर के चल रहे थे, कैसे किया? सबसे बड़ी गलती मैंने यही की, जो मेरे 2 साल वेस्ट हुए हैं सिर्फ प्री में, क्योंकि सर इतना गाइडेंस था नहीं कभी, मतलब मैं अपने फैमिली में मैं ही बैंकिंग की तैयारी कर रहा था, आसपास भी इतना कोई है नहीं कंपटीशन में, आसपास के लोग जो फ्रेंड सर्कल में की कर रहा हो कुछ हुए हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा बात नहीं होती थी रिसेंटली फ्रेंड बने थे। तो 2 साल मैंने मतलब जो भी पेपर दे रहा था सिर्फ प्री पढ़ रहा था, अच्छा, और मॉक बहुत कम दे रहा था, बहुत कम, मतलब अगर मैं दे रहा हूँ महीने में 2-4 मॉक दे दिए तो दे लिए, मॉक्स में मतलब एक होता है ना जो कमी,
मुझे मालूम थी कमी, लेकिन उसको एड्रेस नहीं कर रहा था, बस दे रहा था दे रहा था दे रहा था। तो 2 साल तो मैंने प्री प्रीलिम निकाले, मैं निकल जाता तो किस्मत था। मेंस और भी इस बार सिलेक्शन हो रहे नहीं, क्योंकि जीए नहीं पढ़ रहा था और मेंस लेवल के जो क्वेश्चन वो सॉल्व तो हो ही नहीं रहे थे, और 10 दिन में कोई मेंस तैयारी होती नहीं है। लेकिन इस बार मैंने ठान लिया था, तो इस बार मैं शुरू से ही पढ़ रहा था। जब आरआरबी का फॉर्म निकला तभी मैंने डिसाइड कर लिया था, कि मैंने बोला था कि मम्मी से ये तो होके रहेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं वेट नहीं कर सकता। मैंने बोला था अपनी मम्मी से कि ये हम निकालेंगे, इससे ज़्यादा वेट नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा हो गया है। 2017 में ग्रेजुएशन के बाद 2021 आ गया, सब दोस्त लोग सब जॉब सर्कल में सब सेटल हो रहे हैं और हम तैयारी ही कर रहे हैं। किसी पूछो क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, कुछ हुआ नहीं, करते रहो। तो वो चीज़ होता है ना, मन में बैठ जाता है, तो डिसाइड करना पड़ता है आपको, खुद को बोलना पड़ता है। तो मैंने खुद को बोला था कि नहीं तो कितने निकालेंगे, घंटे पढ़ते थे वैभव? अभी भी मेरे ख्याल लेकिन से पढ़ ही रहे मैंने, होगे। हाँ अभी भी पढ़ ही रहे हैं क्योंकि प्योर मेंस है। प्री के लिए तो एक्चुअली मैं पढ़ता नहीं था, प्री के लिए मैं मोस्टली मॉक्स पे ही हो गया, क्योंकि मेरी प्री की प्रिपरेशन हो गई थी। उसके बाद जैसी प्री का रिजल्ट हो गया था वैसे मैं मेंस का स्टार्ट कर देता, क्योंकि मेरे अटेम्प्ट मुझे लग जाता था कि हो जाएगा। तो आरआरबी पीओ का जब मैं दे के आया था, मेरे अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जब मैं पेपर में बैठ गया था तो मुझे मालूम था कि नॉर्मलाइजेशन रोल प्ले करेगा, क्योंकि पहले के मुकाबले थोड़ा सा मॉडरेट था। मुझे मालूम था होगा, और भले वो 2 4 नंबर से ही हो, लेकिन होगा। तो हाँ 2 नंबर बढ़ गए थे मेरे, 49 अटेम्प्ट थे, अच्छा 51 पॉइंट समथिंग कुछ नंबर आए, या 51 आए शायद। तो रीजनिंग में 27 किए थे, उसमें 29 हो गए थे, मैथ में 22 किए थे, तो उसमें 21.75 हुए थे, नॉर्मलाइजेशन से वजह से बढ़ गया। तो मैं पढ़ शुरू से ही रहा था, कि मुझे मालूम था अच्छा कि निकल जाएगा, ये तो दिन में कॉन्फिडेंस रहनी कितने चाहिए। घंटे पढ़ते थे? दिन में चार चार पांच ज्यादा ज्यादा, चार पांच। बाकी समय क्या करते हो? कुछ नहीं, बाकी मॉक अगर दे लिया उसका एनालिसिस है। मैंने पढ़ाई बहुत आराम से की, कभी बर्डन लेके नहीं पढ़ी है। तो 4 5 नहीं, ये घंटे पढ़ता था पढ़ने में उसका अपना एक मॉक वगैरह तुम हटा के बता रहे हो वैभव? पढ़ने में मॉक इंक्लूडेड है। अच्छा, तो 4 5 घंटे पढ़ते थे, बाकी समय में कुछ पार्ट टाइम जॉब वगैरह भी कर रहे थे, ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहे या कुछ? हाँ ट्यूशन में पढ़ा रहा था, 2 साल मैंने ट्यूशन पढ़ाया, 2 या 3 साल। अच्छा, तो अब आगे का क्या प्लान है? IBPS PO भी निकल गया है। हाँ प्यो, हाँ मेंस है, 22 को निकल गया है, और उसको भी अच्छे से देंगे, जैसे जिस जोश है इसको दिए थे उसी जोश है उसको भी देंगे। हालांकि उसके लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, प्री का ही जो अटेम्प्ट हो गया था, तो लग रहा था कि हाँ हो जाएगा, तो पढ़ना उसी दिन से स्टार्ट कर दिया था। अच्छा चलो, अब आगे बढ़ते हैं वैभव। आते हैं कि आपने क्या क्या सोर्सेज वगैरह फॉलो किए, सब्जेक्ट वाइज हम बात करेंगे ताकि लोगों को भी पता चल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। यस सर, इंग्लिश आपने पहले ही बताया कि आपका बहुत कुछ अच्छा नहीं था, तो इंग्लिश यस के लिए सर। आपने क्या किया? एक्चुअली इंग्लिश के लिए मैंने यूट्यूब वीडियोस पे ही डिपेंड हो गया था, प्लस मॉक्स के लिए, अच्छा और उसके लिए ज़्यादा मैंने नोट्स वोट्स नहीं बनाए थे। नोट्स जो अभी रिसेंटली बनाए, प्योरली था वीडियोस से, जो वीडियोस यूट्यूब पे आते थे, जैसे चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं डेली, या क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो वो देख लिया, प्लस मॉक्स देख लिया, तो उसी पर डिपेंडेंट था इंग्लिश के लिए। अच्छा, तो उससे आपको इम्प्रूवमेंट हुआ। यस सर। ओके, करंट अफेयर के लिए? करंट अफेयर के लिए तो मैंने मंथली डाइजेस्ट फॉलो की थी ग्रेड अप की, और अफेयर स्क्वाड को फॉलो किया था, एक सर है उनके वीडियो फॉलो किए थे। 2 3 सोर्स से मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा था, रिवीजन प्लस पढ़ने के लिए। यूट्यूब पे आपने फॉलो किया मतलब? और यस सर। ये ठीक, कोई न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ते थे? नहीं सर, न्यूज़पेपर नहीं फॉलो किया कभी। ओके, क्वांट? पॉन्ड के लिए भी सर मेनली यूट्यूब पे था, और आपने तो बना रखी थी वो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज, सारी प्लेलिस्ट आपकी पड़ी हुई है टॉपिक वाइज, तो यूट्यूब पे ही डिपेंडेंट था, क्योंकि मेरा मैथ बैकग्राउंड था और मैंने पढ़ाया भी है, तो बेसिक तो तैयारी था। बस एग्जाम्स के लिए भी बहुत मेथड्स होते हैं कि आप कम से कम टाइम में कैसे फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो वो वीडियोस देख लेता था, तो आपकी बनी हुई थी, तो मैथ और रीजनिंग तो वहीं से हो गया प्रैक्टिस था। कहाँ से कर रहे थे क्वांट की? बुक्स अगर कौन सी कोई में हो, सर? किसी बुक से कर रहे थे? हाँ किरण की बुक ली थी सर, प्रीवियस ईयर है कि वो पता नहीं, लेकिन उसमें है किरण की है क्वांट के लिए, तो उसको सॉल्व तो किया, लेकिन उसको सॉल्व करते करते अब पता नहीं वो मुझे इजी लगने लगी, या मेरी तैयारी अच्छी हो गई थी तो वो बहुत इजी लगने लगी, तो उसको मैंने फिर फॉलो करना छोड़ दिया, फिर मॉक्स अच्छा, पे डिपेंड हो गया। मॉक से ही प्रैक्टिस किया। यस सर। और रीजनिंग? रीजनिंग सेम आपकी वीडियोस, और क्या क्या? से वीडियो
जब मैंने सीख लिया उसके बाद कुछ नहीं, सिर्फ मॉक, कभी सिर्फ और किसी को मॉक, फॉलो नहीं। मतलब यस पहले आपने कॉन्सेप्ट सारे सीखे, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया मॉक दे दे करके। यस सर। ओके, तो मॉक जब आप दे रहे थे तो कितना, मतलब जैसे कई बार बच्चे मॉक देते हैं तो दिन भर उसी में लग जाता है ज़्यादातर समय, कि मॉक दिया फिर एनालिसिस किया और बहुत समय लग जाता है, तो आप कैसे देते थे मॉक? एक्चुअली मैं दिन में, जब मैं स्टार्टिंग फेज में था, तो दिन में एक ही मॉक देता था और दे लेता था, उसके बाद उसमें एनालिसिस कर लेता था कि क्या कमी रह गई, कौन सा क्वेश्चन जबरदस्ती मतलब सिली मिस्टेक में गलत हो गया, या फिर किस क्वेश्चन में टाइम बचा सकता था उसमें बचा लिया। ज़्यादा एनालिसिस में बहुत ज़्यादा डूब नहीं जाता था, क्योंकि में 100 ही क्वेश्चन होते हैं, कुछ तो आपके जो एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपको रिवाइज करना ही नहीं है, तो जो वीक पॉइंट होते हैं उनमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो उसमें ज़्यादा मुझे टाइम लगा नहीं कभी एनालिसिस करने में प्रीवियस। यही बात हम कल भी कर रहे थे कि जब आप बिना तैयारी के मॉक देते हो तो भी ज़्यादा समय लगता है एनालिसिस में, क्योंकि यस आपको सर। ज़्यादातर क्वेश्चन आते ही नहीं हैं, फिर आप समझने में भी ज़्यादा समय लगाते हो, और जब आप समझे रहते हो चीज़ें तो ज़्यादा समय नहीं लगता, कुछ ही यस सर। क्वेश्चंस रहते हैं, आप पज़ल से काट नहीं बनी तो फिर उसको देखना पड़ता है अलग से, बाकी तो चलिए। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं बहुत सारी चीज़ें सब में कॉमन ही हैं यस सर, कह सकते हैं। है ना, और जितने लोग नहीं सेलेक्ट होते उनमें भी बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं हाँ सर, ये भी पॉइंट हो सकता है। है ना। ओके, तो ये जब आप तैयारी कर रहे थे, जो आपकी बैंक की तैयारी आपकी हुई, तो यस इसके सर। साथ साथ आप बैंक के साथ साथ, जैसे एक तो आपने बताया कि SSC के लिए आपने 2020 में थोड़ा आपका मूड उधर गया, क्या कोई और भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे थे या दिया था? एक्चुअली मेरी लाइफ का सबसे पहला एग्ज़ाम था रेलवे का ALP, 2018 में आया था, तो वो भी मैं क्वालिफाइड हूँ, हालांकि उसमें वेटिंग लिस्ट में हूँ, अच्छा तो अच्छा सबसे पहला वही क्वालिफाइड था। अच्छा उसके बाद फिर बैंकिंग की, फिर बैंकिंग नहीं हो रहा था तो CGL में स्विच किया, तो 2019 वाला मेरा CGL भी क्वालिफाइड है, उसका डिग्री हो चुका है, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाऊंगा क्योंकि कट ऑफ पे नंबर है, तो ओके, चलिए उम्मीद अभी करते हैं नहीं आ ही निकला। जाओ हाँ लेकिन सर उम्मीद नहीं है, कट ऑफ पे ही अच्छा है, और फिर मेरे आप जानते ही हैं सर। चलो कोई बात नहीं। तो अब RRBPO में, अब आप आर्यावर्त ग्रामीण बैंक आपको मिला हुआ है, यस अब सर। आपकी जल्दी ज्वाइनिंग भी होगी, तो खुशी तो बहुत हो रही होगी, घर वालों को भी बहुत खुशी होगी, कैसे सेलिब्रेट हाँ किया? सेलिब्रेट एस मतलब जैसे ही रिजल्ट आया था, मतलब सुबह से ही मैं फोन लेके बैठ गया था, नहाया और रिजल्ट पे खोल रहा था बार बार, क्योंकि सुबह ही लिंक इंटीमेट हो गया था, और 10 बजे से मैं ट्राई कर रहा था। फिर जैसे ही आया मैंने लॉग इन और जो भी है मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के रख दिया, मैंने मम्मी इसका, मम्मी लॉग इन पे क्लिक करो, अच्छा तो क्लिक किया तो वो खुला नहीं, तो फिर मैंने ध्यान दिया कि अच्छा वो रिजर्व लिस्ट का मैं खोल रहा हूँ। फिर मैंने ट्राई अच्छा किया तो मैंने सारा डिटेल डाली, मैंने कहा मम्मी लॉगिन करो, बस मैंने देखा और सबसे पहले मेरी नज़र गई मार्क्स पे, क्योंकि तो मुझे मालूम था कि मेरे 40 एक नंबर था कि अगर उसमें ऊपर है तो मेरा सिलेक्शन है, तो पहले नंबर देखा, मैंने कह दिया हो गया। फिर मतलब ऑब्वियस सी बात है इमोशनल मूवमेंट हो जाता है, मेरे भी आंसू हो गए, मम्मी के भी, काफ़ी समय हो गया था, तो हमने कहा कि आखिरकार कर लिया मैंने, हमने कहा हाँ। चलो, तो बहुत सारे लोगों के फोन भी आ रहे होंगे आपको हाँ बहुत लोगों के आए भी हैं, बहुत लोगों के नहीं भी, मिक्सअप रहा। अच्छा, बहुत सारे लोग सजेशन भी अब ले रहे होंगे, बहुत मतलब एक आम आदमी से खास आदमी बन गए आप एक दिन में। 31 दिसंबर को हाँ आपके बोले एक एंट्री वैभव ही थे है ना, जो गवर्नमेंट जॉब की एक, प्रिपरेशन कर रहा है, हाँ और सर 1 तारीख को जब आप सेलेक्ट हुए तो आप बहुत सारे लोगों के खास आदमी बन गए, हमारा वैभव यस सर है ना। यस सर। तो अब आपका क्या प्लान है आगे का? सर अभी तो IBPS PO जो मेंस है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और बस फिर वही चीज़ है, फिर आगे देखते हैं कि किस चीज़ में ट्राई कर सकते हैं। अच्छा वैसे क्योंकि अच्छा अब इतना स्ट्रगल हो गया है कि अब मैं बहुत स्टेबल चाहता हूँ कि बस अब इसको एंजॉय करूँ जो मेरे पास है, रेदर देन फिर से एक एस्पिरेंट बनूँ। अगर मैं दूसरा पेपर दूंगा फिर मैं एक कैंडिडेट ही कहलाऊंगा, ना कि प्रोफेशनल लाइफ में मैं जा चुका हूँ, तो फिर से मैं वो फेस में नहीं जाना चाहता हूँ कि कैंडिडेट कहलाऊँ, काफ़ी समय हो गया है। नहीं, अब तो और आपको एक जॉब सिक्योरिटी है तो थोड़ा पीस ऑफ माइंड भी होगा, तो हाँ आप थोड़ा खुले दिल और खुले मन से भी एग्ज़ाम अगर कोई भी देंगे तो देंगे ये ऐसा। सर, एक रिलीफ मिल जाता है, मेंटल स्टेबल हो जाते कि बिना टेंशन के पेपर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया है, मैंने देखा आप ग्रुप में भी काफ़ी एक्टिव रहते हो, स्टडी स्मार्ट वाले लोगों के यस आंसर सर करते जी रहते हो। यस सर, क्योंकि जब
मैं था तब इतना टेलीग्राम इतना एक्टिव नहीं था जब मैंने स्टार्टिंग फेज में किया था, तो याद भी नहीं कि था कि नहीं। अभी मैं 1 या 1.5 साल से ही टेलीग्राम पे बहुत हूँ। तो अगर किसी को लगता है कि हाँ कि प्रिपरेशन जैसे मैंने की है और उसमें जो मिस्टेक्स है, तो अगर मैं बता सकता हूँ कि क्या नहीं करना है तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए था। अगर वो मैं तो किसी को बता सकता वैभव, हूँ तो यस ब्रीफ सर। में मैं आपसे पूछ, मतलब आप ही बताओगे, जो बच्चे देख रहे होंगे, जो तैयारी कर रहे होंगे, शुरुआत कुछ बच्चे करेंगे जो आपका वीडियो देख रहे होंगे, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कर रहे होंगे लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप उनको अपनी तरफ से आप क्या सलाह देना चाहोगे कि तैयारी उनको एक तो कैसे करनी चाहिए शुरुआत, और उसके बाद उसको कैसे लेवल अप करना चाहिए ताकि वो कंपटीशन को बीट कर सकें। सर पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी जो प्रिपरेशन है उसको 100% करो, उसमें कुछ छोड़ो नहीं। अगर आपके पास हर चीज है तो आप उसमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी चूज कर सकते हैं। लेकिन आपकी अगर प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है, एज लाइक अगर मैं कह दूं क्वांट में अर्थमेटिक कमजोर है, तो आप 10-12 क्वेश्चंस आपके पास वैसे ही कम हो जाएंगे, प्री में आते हैं, और आपको बचे हुए क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और उसमें भी अगर आप नहीं कर पाए तो कुछ उसमें छूट जाएंगे, तो आप वैसे ही बहुत पीछे हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास समुंदर है तो आप एक बकेट ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं चीज है कि आप पढ़िए सब, बैंकिंग में जितनी जरूरत है आप पढ़ सब लीजिए, अर्थमेटिक हो, सिंप्लीकेशन हो, क्वाड्रेटिक हो, जो भी आता हो, उसके बाद जो चाहिए आप वो करते रहिए। तो और जो बच्चे शुरुआत करते हैं यस तो सर ज़्यादातर बच्चों के अंदर बड़ी एक हड़बड़ी सी होती है, मैंने देखा है इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, वो चाहते हैं कि 2 महीने में सब कुछ हो सीख लें, सब कुछ एकदम उसी लेवल पे पहुँच जाएं जिस लेवल पे ज़्यादातर बच्चे जो 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं या जो सेलेक्ट हो गए, एकदम वैसी ही स्पीड हो जाए सिर्फ 1 या 2 महीने में ही। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मतलब मुझे तो पता है, मैं तो अपनी तरफ से बताता रहता हूँ कि ये सोच थोड़ा हानिकारक होती है, आप अपने एक्सपीरियंस से क्या कहना चाहोगे क्योंकि आप भी उस फेज से गुजरी हो। एक्चुअली ये दो लोग से मेरी दो लोग से बात हो चुकी है, वो भी चाह रहे कि नहीं मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हो जाए। ये सोच अच्छी है, लेकिन जल्द से जल्द क्या होता है? जल्द से जल्द किसी के लिए 6 महीना भी हो सकता है, जल्द से जल्द किसी के लिए 1 साल भी हो सकता है, और जल्द से जल्द किसी के लिए 1 महीना भी हो सकता है। तो जल्द से जल्द पे ना जाके अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो, कि जो प्रिपेयर कर रहे हो उस पर फोकस करो, रेदर देन कि फ्यूचर में क्या होगा कि नहीं होगा। क्योंकि अगर आप पहले ही सोचेंगे कि नहीं मुझे 2 महीने में निकालना है और नहीं निकलेगा, तो फिर आप बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस्ड फील करेंगे और बहुत लो फील करेंगे। ये सच्चाई है, क्योंकि 2 महीने में नहीं हो सकता, क्योंकि कई लोग 1 साल 1.5 साल 2 साल से कर रहे हैं, मैं खुद 3 साल से कर रहा हूँ। हालांकि कुछ कमियाँ थी तभी शायद मुझे इतना समय लग गया है, लेकिन तब भी बहुत लोग बच्चे हैं जो 6 महीने, कुछ लोग ग्रेजुएशन के एंड से ही तैयारी कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, तो वो अगर इतने समय से कर रहे हैं तो वो आपसे काफ़ी आगे हैं, उनकी प्रिपरेशन काफ़ी आगे है, काफ़ी अच्छे लेवल पे है, उन्हें काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, काफ़ी मॉक्स दे चुके हैं। और आप 2 महीने में सोच कर रहे हैं, तो अच्छी सोच है कि आप जल्द से जल्द चाहते हैं, लेकिन आप अगर टाइम बाउंड कर लेंगे कि, और वो भी ऐसा कि जो कि डेंजरस है बहुत ज़्यादा, कि 2 महीने 3 महीने, तो वो आपके लिए खतरनाक मतलब साबित अपनी होगा। पहले क्षमताएं देखनी चाहिए कि आप किस लेवल पे हो, उसके बाद आप यस अपने सर आप को जो भी चैलेंज देना ठीक है, मतलब ऐसा भी मत सोच के बैठो कि 10 साल में जब ये होगा तो कर लेंगे जॉब, वो भी एक यस गलत ही बात है, लेकिन आपको आता कुछ नहीं और आप सोचो कि 1 ही महीना में हम सब उखाड़ लेंगे, तो ऐसा भी एक गलत ही सोच है। नहीं सर तो मतलब वैभव जो कहना चाह रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि पहले तो आप अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने का प्रयास करिए कि आप कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट हैं सारे समझ पाएँ और सारी चीज़ें सीख पाएँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट में अगर क्लियरिटी नहीं होगी तो आपको कोई मॉक आगे नहीं लेके जा पाएगा, कोई टीचर भी आगे लेके नहीं जा पाएगा। जब आप उसे कर लेंगे उसके बाद फिर केवल और केवल प्रैक्टिस, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना मेहनत कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर आप आगे निकल सकते हो। यस सर। और कुछ वैभव बताना चाहेंगे अपनी तरफ से, और सर जो बिगिनर्स हैं उनको क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? बिगनर्स के लिए यही कहूँगा कि 50 कंटेंट के पीछे मत भागो, किसी एक को फॉलो करो, रीजनिंग के लिए, क्वांट के लिए, इंग्लिश के लिए, और उनसे अपना कोर्स कंप्लीट करो, चाहे वो पेड हो चाहे फ्री हो, कुछ भी हो। सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और अपना सिलेबस पूरा कीजिए, और उसके बाद मॉक्स पे ये आप बहुत मॉक्स पे अच्छी जाइए। बात कही वैभव ने कि जनरली होता है कि जब हमारे पास चॉइसेस बहुत होती हैं तो हम उसे एक्सप्लोर करते करते अपना सारा समय वेस्ट कर देते हैं। मतलब अगर आप कहीं क्वांट पढ़ रहे हैं या कहीं रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो
अगर एक को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बजाय कि एक ही टॉपिक को आप 10 लोगों से पढ़ें, फिर आपको कन्फ्यूज़न ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि सबके पढ़ाने का तरीका अलग होता है, समझाने का तरीका अलग होता है। तो आपके पास, आप चाहे यूट्यूब पे हो तो बहुत सारे आपको एजुकेटर्स मिलेंगे, कहीं भी आप पेड बैचेस में जाएंगे वहाँ भी ऐसा ही रहेगा। तो प्रयास करिए कि आप एक टीचर ऐसा पकड़े जिससे आपको समझ में आ जाए, और फिर उसको फॉलो करिए, और यस सर, वो आपको सफलता दिलाएगा। ओके वैभव, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और जाते जाते एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, मॉक को लेकर के, जो बच्चे ज़्यादातर पूछते हैं कि मॉक, वैसे तो आपने बताया कि आप डेली दे रहे थे एक मॉक, प्रीलिम्स से पहले कितने मॉक दे रहे थे, और प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद और जब मेंस की तैयारी कर रहे थे तो कितने मॉक आप दे रहे थे? प्रीलिम्स से पहले मतलब प्रीलिम्स पेपर देने से पहले मैंने टोटल कितने मॉक दे लिए होंगे? अगर मतलब डेली कितना देते थे? डेली मेरी तैयारी हो गई थी तो अगर कभी बहुत अच्छा मन होता था तो 2 दे देता, उससे ज़्यादा कभी मैं नहीं गया, 3 4 ये कभी भी नहीं। एक तो मैं अच्छा। डेली था, और बहुत अच्छा मन है कि शाम को फ्री बैठा हूँ तो 2 दे रही है, इससे ज़्यादा अच्छा कभी नहीं। अच्छा और मेंस? मेंस में जैसे 1 2 दिन पे एक मॉक दे लेता था आरआरबी पीओ का, जैसे 2 दिन में एक दे लिए और उसका फिर एनालिसिस किया। फिर एनालिसिस करने के बाद अगले या अगले 2 दिन मैंने सेक्शनल प्रैक्टिस की, जैसे रीजनिंग में नंबर कम रह गए तो रीजनिंग में सेक्शनल मॉक दे लिया, मैथ में कम रह गए तो मैथ के लिए ले लिया, और जीके, बाकी जो जीके था वो इसलिए कि करंट अफेयर्स चल ही रहा था साथ में तो उसके लिए नहीं, बाकी इंग्लिश हो गया सेक्शनल मॉक दे लिया। फिर ऐसे ही दो ओके। तीन दिन पर मैंने दूसरा मॉक दे लिया, ऐसे सब ये बढ़िया है कि आप मॉक दे रहे थे, फिर आप ये देख रहे थे कि आपका कौन सा सेक्शन कमज़ोर पड़ रहा है, तो आप उसको इम्प्रूव करने के लिए उसका सेक्शनल मॉक देते थे यस ताकि वो सर इम्प्रूव हो जाए, फिर आप इम्प्रूव आगे हो जाए। बढ़ते थे। यस सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी रही वैभव आपकी, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस IBPS PO में भी निकालें ताकि यस उसका सर, भी इंटरव्यू आए। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आप बताइए कैसा रहा, मतलब आप तो मेरे से तो पहली बार ही इंटरेक्ट किए थे, इंटरव्यू यस के सर, दौरान ही कनेक्ट हुए थे, तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितना हेल्प किया वो आपको रियल इंटरव्यू में? एक्चुअली उसमें आपने 2 3 चीज़ें मुझे पॉइंट आउट की थी। पहली चीज़ की जो मेरी वॉइस है वो थोड़ा सा नॉर्मल रखना, वो ज़्यादा लाउड नहीं रखना, और कोशिश करना कि धीरे धीरे बोलो। तो मैं जब वहाँ पे गया, क्योंकि एक्चुअली मेरी ये नॉर्मली है, मेरी वॉइस भी थोड़ी तेज़ है और फास्ट बोलने की आदत ही है जो मुझे अंदर से, तो मैं जब वहाँ गया तो वो माइंड में मैंने रखा हुआ था, तो मैंने बहुत ही कामली, एक होता है ना कि कुछ सेकंड्स का पॉज देना, मतलब मिली सेकंड्स का, अपने आप कुछ ही बोल रहे हैं, तो मैंने जो इंट्रो भी दिया बहुत कामली दिया है। तो हर चीज़ में उन्हें जब इंट्रो लिया है तो वैसे ही काम भी होकर बताया कि एक पॉज ले रहे थे, जैसे एक होता है ना पंक्चुएशन मार्क कॉमा, तो वो मैं दे रहा था अपने, तो वो काफ़ी मुझे लगा कि मदद की आपने, जो मुझे बताया कि हाँ पॉइंट आउट किया था जो चीज़, तो मेरे एक माइंड में था, बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि हाँ ध्यान रखना इस चीज़ का। इंटरव्यू से पहले मैं देख रहा था कि आपका इंटरव्यू मैं ले रहा था, बाकी सारी चीज़ें आपको लगभग आ ही रही थी और बाकी सारी चीज़ें सही थी, और आप बड़े एक्टिव भी थे बाकी जगह पे इंटरव्यू में, बच्चे क्या क्या क्वेश्चन कहाँ क्या क्या पूछा गया था उससे मैसेज कर यस करके पूछ रहे थे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। सर, जब आप रियल इंटरव्यू में बैठे तो फिर वहाँ पे जो आपसे सवाल पूछे गए आपने उनका जवाब बताया, तो जब आप कई पहली बार कभी इंटरव्यू देते हैं तो बड़ा डर सा लगता है, तो जब आप पहली बार बैठे थे तो आपके मन में क्या नर्वसनेस और ऐसा डर वाली फीलिंग थी, या फिर आप कॉन्फिडेंट ऐसा फील कर रहे थे? एक्चुअली ये मतलब मेरा प्रोफेशनली तो मतलब बैंकिंग का पहला इंटरव्यू था, इसके लिए मैं इंटरव्यू और दे चुका था, कम से कम 3 से 4 इंटरव्यू मतलब कॉलेज के दौरान में मैं दे चुका हूँ, तो मैं ऐसा सच नर्वस नहीं था, कि मुझे ये मालूम था कि मैं नर्वस फील नहीं करूँगा, कि बस मुझे, मैंने ध्यान में रखा था कि मुझे अपना प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है, बोलने का तरीका, प्लस जब वो पूछे कि, अगर मैंने सोचा था कि अगर वो पूछे कि आप क्या बताएंगे, आपको क्या मालूम है, तो मैं वो उनको बताऊँ जिसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ और जिसमें मैं पढ़ के आया हूँ, वही चीज़ हुआ था। उन्होंने पूछा था कि आप क्या पढ़ के आए हैं, तो मैंने RBI, NABARD, RRB, तो उन्होंने पूछ लिया RRB क्या होता है, फिर उसको बताते बताते फाइनेंशियल इंक्लूजन निकला मुझसे, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है ये सब पूछ लिया। चलो बहुत बढ़िया है वैभव, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वैभव की बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसा भी कॉम्प्लेक्स रहता है कि रिसोर्सेज की कमी है हमारे पास, या पैसा नहीं है, या फिर हम पेड कोर्सेज नहीं कर सकते हैं, तो वैभव उनका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मुझे जहाँ तक लगता है वैभव आपने कोई भी पेड कोर्सेज ऐसा नहीं किया हुआ है, नहीं सर, प्योरली नहीं किया हुआ है। यूट्यूब पे डिपेंड हाँ, था। तो वैभव से आप सीखिए कि अगर आपके अंदर पढ़ने की ललक और इच्छा है तो आप
अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, अगर यस सर, बहाने और डिनाइल मोड में रहते हैं तो फिर आप कितना भी महंगा पेड कोर्स ले लीजिए या किसी से भी पढ़ लीजिए, आपको कोई सिलेक्ट नहीं करवा सकता है। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि आपके भी मन में कुछ ना कुछ सवाल होंगे वैभव को लेकर के, और मैं वैभव चाहूँगा कि जो बच्चे आपसे सवाल पूछे बाद में कमेंट सेक्शन में, तो आप उन्हें आप ही जवाब दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा उन्हें। यस तो सर, मुझे खुशी ये होगी। आप आपका वीडियो हम आज 7 तारीख को 6 तारीख को रिकॉर्ड करें, 7 तारीख को आएगा सुबह, तो आप देखिएगा आपसे हो सकता है बहुत सारे सवाल हों बच्चों के, जो बच्चों के मन में आते हैं, मैं क्या कहूँ। तो ये था वैभव का इंटरव्यू, और वैभव ने जो RRB PO का एग्ज़ाम निकाला है बहुत मेहनत से निकाला इन्होंने, और मुझे बहुत खुशी हुई इनका, मैंने मॉक इंटरव्यू लिया था, और उस फेज से वैभव आज ऑफिसर बन चुके हैं, ये देखना बहुत ही मेरे लिए भी खुशी वाली बात है। तो वैभव स्टडी स्मार्ट के ग्रुप में भी हैं, अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे ग्रुप में जो सेलेक्ट हो चुके हैं, तो आपको एक बढ़िया जो गाइडेंस है वो मिलती रहेगी बच्चों के द्वारा ही जो सेलेक्ट हो चुके हैं। और आपके मन में कोई सवाल सुझाव हो तो आप वैभव से पूछिए, वो अपना समय निकाल करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोगों को बाय।